हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, विदाउट केमिकल बॉन्डिंग आपका कुछ नहीं है बच्चों। आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या है? देखो, केमिकल बॉन्डिंग बच्चों, यहाँ पर जो आपने इनऑर्गेनिक में अभी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ा, उन सब का एप्लीकेशन अब पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, जैसे मेरे पास ए और बी मॉलिक्यूल है, ए और बी मॉलिक्यूल दोनों आपस में अटैच होके क्या बनाएंगे बच्चों, ए बी बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ए बी पहले आइसोलेटेड स्टेट में थे, नाउ या वो कंबाइन स्टेट में। देखो ध्यान से, यहां पर ए ए बी आपके कौन से स्टेट में थे बच्चों, आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब अलग अलग स्टेट में हमने माना हुआ था। ठीक है, वैसे होते नहीं है, पहले से आपको कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन ए बी आपके आइसोलेटेड स्टेट में। दोनों आपके कौन से स्टेट में बच्चों, आइसोलेटेड मतलब अलग, सबसे अलग है बच्चों आइसोलेटेड स्टेट में। अब दोनों जब आपके कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने पर यहां पर आपका कि यहां पर ये क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो देखो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब देखो कभी भी आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये फिनोमिना क्या होगा बच्चों आपका, यहां से आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहां से आपकी क्या होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी। अब जो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो आपके कौन से साइन में होगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। कौन सा होगा बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा। कौन सा फिनोमिना होगा बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक। तो ध्यान से समझेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा आपका क्या होता है बच्चों, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक्सोथर्मिक फिनोमिना। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर दो दो डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर दो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बच्चों, ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट। अब देखो दोनों चीजों को समझेंगे हम। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या बोला गया, आप लोग जानते हो कि सभी एटम अपने आप को स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में वो अपने इलेक्ट्रॉन का या तो पार्टनरशिप करेंगे, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, टू अटेन वाई द बॉन्डिंग इज, आपका बॉन्डिंग क्यों बनेगा। ठीक है, टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, मतलब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए आपका कोई भी बॉन्ड, कोई भी आपका केमिकल बॉन्ड आपके क्या करता है बच्चों, यहां पर बॉन्डिंग करता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट मतलब जो पुराने टाइम में हम जो समझ में आ रहे हैं वो यही हम बोलते थे, टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या करता है बच्चों, यहाँ पर बॉन्डिंग होता है। मतलब यहाँ पर ए के पास अगर समझो, इफ अगर ए के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बी के पास नहीं है, तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर देंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, या फिर आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ये आपका क्या बना लेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी नोबल गैस हो जाएगा, इसका भी नोबल गैस हो जाएगा, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम यहाँ पर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम एटम कैन ट्रांसफर एज वेल एज
एज वेल एज शेयर 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 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये तो था हमारा पुराना कॉन्सेप्ट। अब नया कॉन्सेप्ट हमारा एनर्जी पे बेस आया। नया कॉन्सेप्ट क्या है? बेस्ड अपॉन एनर्जी। देखो, बेस्ड अपॉन एनर्जी, एनर्जी पे बेस है। अब एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या चीज है, इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखो अगर बच्चों यहां पर देखो, एनर्जी आपकी कितने टाइप की है? एनर्जी ध्यान से समझना, एनर्जी अगर आपकी लो हो जाएगी, मतलब लो एनर्जी क्या करता है बच्चों, हमेशा किसी भी एटम का अगर एनर्जी लो हो गई तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो, ये जब एक्सोथर्मिक फिनोमिना है तो यहां पर एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है। यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालूंगा तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। अगर आपके एनर्जी डिक्रीज हुई, ध्यान से समझना, अगर आपके एनर्जी डिक्रीज हुई तो वो क्या होता है बच्चों, आपका स्टेबल स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है। किसी भी चीज की एनर्जी अगर कम होती है तो वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करती है। किस कहाँ की ओर मूव करती है बच्चों, स्टेबिलिटी की ओर। अगर किसी भी चीज की एनर्जी डिक्रीज होती है तो वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करती है। तो यहां पर एनर्जी कम होगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगा, एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगा, देखो, बाय बाय अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, अब क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स लगाने के बाद ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, या फिर आपका देखो यहां पर ए एटम या फिर या तो आपको बी को अट्रैक्ट करेगा या तो आपका बी एटम ए को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगाने पर एनर्जी डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, इन द सेंस हम बोल सकते हैं कोलॉम्बिक फोर्स। कौन सा? कोलॉम्बिक फोर्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका पूरा थीम, ठीक है, कोलॉम्बिक फोर्स। अब देखो, ये इस तरीके से न्यू कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये अभी हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। देखो अब ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी इजी जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने बोला यहां पर कि दो चार्ज है, ठीक है, यहां पर मैं बोलता हूं एनर्जी 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 इन बॉन्डिंग, एनर्जी इन बॉन्डिंग बॉन्डिंग। अब देखो यहां पर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो उसके ऊपर पास ऑब्वियसली चार्ज डेवलप होंगे, या तो माइनस या तो प्लस, ठीक है। तो हम हमेशा कूलॉम्बिक फोर्स से ही बात करेंगे। कूलॉम्बिक फोर्स हमेशा किसके बीच होता है, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस मतलब चार्ज के बीच होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो चार्ज लिए, एक मैंने लिया Q1, एक मैंने लिया यहां पर Q2, ठीक है, ये मैंने दो चार्ज लिए। अब देखो, दो चार्ज मैंने लिए, अब देखो ये दोनों चार्ज, अभी मान लो कि ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ठीक है, या ये आपका माइनस है, या ये आपका माइनस है, तो आपके कोलॉम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे फिजिक्स में, तो कोलॉम्बिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R², दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोलॉम्बिक फोर्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कोलॉम्बिक फोर्स का है, ठीक है। अगर यहां पर Q1 Q2 सिमिलर होंगे तो देखो यहां पर मैंने क्या लिया, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन फोर्स फोर्स ऑफ कोलॉम्बिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव आई। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। अगर मैंने यहां पर Q1 Q2 को अगर मैंने नेगेटिव लिया, समझना ध्यान से समझना बच्चों, आज हम कम पढ़ेंगे लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे, यही से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने बात किया कि यहां पर दो टाइप के फोर्स लिए, ठीक है। देखो यहां पर फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R² के Q1 Q2 अपॉन R², यहां पर Q1 को मैंने लिया नेगेटिव और Q2 को मैंने लिया नेगेटिव, दोनों मैंने नेगेटिव लिए,
दोनों मैंने क्या लिए बच्चों, नेगेटिव लिए, ठीक है। दोनों मैंने क्या लिए बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव लिए, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कूलम्बिंग क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका फोर्स, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आया क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपका एड हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हमको समझ में आया, अगर मैं इन दोनों की एनर्जी निकालना चाहूँ, पोटेंशियल एनर्जी, देन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दो चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है बच्चों, दो चार्ज के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अगर यहां पर क्यू वन क्यू टू की वैल्यू रखूंगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, चाहे वो आपका क्यू वन, देखो दोनों क्या होगा, क्यू वन क्यू टू इज द सेम साइन, क्यू वन क्यू टू हैव सेम साइन, दोनों का आपका साइन क्या हो जाएगा, सेम साइन, दोनों का आपका सिमिलर साइन हो जाएगा। और जब आपका दोनों का सिमिलर साइन हो जाएगा तो के वन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो जब ये दोनों आपके सेम साइन के होंगे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अब देखो रिपल्सिव फोर्स यहां पर आपका वर्क करेगा, अब यहां पर अगर आपका रिपल्सिव फोर्स वर्क किया तो यहां पर फोर्स क्या आया बच्चों, पॉजिटिव। तो ध्यान से समझना, अगर फोर्स की वैल्यू, फोर्स अगर आपका पॉजिटिव साइन रहेगा, इसका मतलब आपका कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। और अगर आपका रिपल्सिव फोर्स हो गया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। तो ध्यान से हम यहां से क्या समझ सकते हैं कि ध्यान से समझना, हाँ यहां पर सॉरी इसको थोड़ा सा हटाते, अच्छा लिखते, ठीक है। देखो इफ इफ वी विल यूज सिमिलर साइन, सिमिलर साइन, अगर मैं सिमिलर साइन का यूज करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स, यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। जब यहां पर रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा तो यहां पर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स आपका पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब फोर्स भी आपका बढ़ेगा। अब फोर्स आपका बढ़ेगा तो जितना ज्यादा फोर्स में अगर आपकी रिपल्सिव वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो उतना ही ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपका कहाँ बढ़ेगा बच्चों, उस पर पोटेंशियल एनर्जी की आपकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब एनर्जी अगर बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, न्यू कॉन्सेप्ट था, स्टेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, एक एक करके हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम सिमिलर कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर हम उसके लिए भी लगा सकते हैं जब हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्ज यूज किए, ठीक है। तो देखो अगर मैंने यहां पर, देखो अब इस बार हम क्या करेंगे, अगर मैंने यहां पर बच्चों, अगर मैंने यहां पर इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां पर बच्चों देखो, या तो मैंने इसको प्लस ले लिया या मैंने इसको माइनस ले लिया, ठीक है, या तो मैंने इसको प्लस लिया या तो इसको मैंने माइनस लिया, या तो इसको माइनस लिया या तो इसको मैंने प्लस लिया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, वी विल यूज डिफरेंट साइन ऑफ चार्ज, वी विल यूज यूज डिफरेंट साइन ऑफ चार्ज, डिफरेंट साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का हम डिफरेंट साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट साइन दोनों फोर्स का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अगर ये प्लस है ये माइनस है तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले कंडीशन के हिसाब से देखूं, दिस इज अ केस वन, केस टू आपको खुद करना है, ठीक है,
केस वन के हिसाब से देखूंगा तो के क्यू वन ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जब मैं इसका टोटल निकालूंगा तो क्या जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, नेगेटिव वैल्यू। फोर्स की यहां पर कौन सी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू। इसी तरीके से केस टू के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो वहां पर भी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करूं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की, पीई की, तो पीई का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो यहां पर अगर मैं साइन रखना चाहूंगा तो अगर मैं इसका साइन रखना चाहूंगा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो के क्यू वन माइनस के साथ आएगा आर। ठीक है, यहां पर भी आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहां पर भी आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव साइन क्या है। इसका मतलब इन दोनों के बीच, डिफरेंट साइन के बीच आप लोग जानते हो कि आपका कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। यहां पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स आपका एक्ट करेगा। अब यहां पर अगर आपका अट्रैक्शन, जब हम डिफरेंट साइन यूज करेंगे तो आपका यहां पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, इसका मतलब फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू आपका नेगेटिव साइन में क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन में बढ़ेगा, और नेगेटिव साइन में बढ़ेगा तो यहां पर फोर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव साइन में ही इंक्रीज करेगा। अब ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव साइन है। जितना ज्यादा रिएक्शन आपका क्या हो, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब ये क्या होगा, ये आपके एक्सोथर्मिक की ओर मूव करेगा। एनर्जी अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो इसका मतलब वो आपका एक्सोथर्मिक, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये आपका एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और यहां पर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो ध्यान से समझना, अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो फोर्स आपका नेगेटिव होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। इस तरीके से हम यहां पर एनर्जी के जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। तो फाइनली हमको क्या मिलने थे, सेंस हमको क्या समझ में आया, हाँ तो यहां पर हमको इतना ही समझ में आया, स्टेबिलिटी इंक्रीज बाय अट्रैक्शन फोर्स एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज बाय रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस फाइन यहां पर, या फिर फाइनली हैंस वी कैन से दैट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी विल इंक्रीज बाय नेगेटिव स्टेबिलिटी विल इंक्रीज बाय अट्रैक्शन फोर्स एंड डिक्रीज बाय रिपल्सिव फोर्स स्टेबिलिटी विल इंक्रीज बाय अट्रैक्शन फोर्स एंड स्टेबिलिटी विल डिक्रीज बाय रिपल्सिव फोर्स। हैंस आपका फाइनली आपको मिल गया। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम इजी वाला देखते हैं बच्चों। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि द आयोनिक बॉन्ड इज स्टेबलाइज बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस, हाउ मेनी टाइम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड इंक्रीज व्हेन डबलिंग द चार्ज चार्ज ऑन ए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। एन आयोनिक बॉन्ड इज स्टेब्लिश्ड बिटवीन बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस, हाउ मैनी
टाइम्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द स्ट्रेंथ, हाउ मेनी टाइम्स द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड इंक्रीज बाय बाय डबलिंग चार्ज बाय डबलिंग चार्ज ऑन ए एंड मेकिंग रेडियाई हाफ, रेडियाई हाफ। ठीक है, रेडियाई मतलब आर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि आयोनिक बॉन्ड आपका ऐसे ऐसे बना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए प्लस और बी माइनस के बीच आपका आयोनिक बॉन्ड बना है, तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा बच्चों? आयोनिक बॉन्ड होगा। इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसके बीच आपका कौन सा फोर्स लगेगा? एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब जब आपके इसके बीच अगर आपका एट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो सॉल्यूशन समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं सिंपल जो फॉर्मूला लिखना चाहूँ वो क्या लिखूंगा कि यहाँ पर क्या बोला, आयोनिक बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? फोर्स से, तो फोर्स लिख दिया, फोर्स ऑफ कूलम्बिंग के Q1 Q2 अपॉन R2। अब इसने आपका कितने टाइम बढ़ गया वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये लिख दिया फोर्स ऑफ वन, ये लिख दिया फोर्स ऑफ टू। टू में क्या किया हमने दूसरे कंडीशन में? ठीक है, बाय डबलिंग द चार्ज ऑन ए, ए पे मुझे चार्ज को दुगना कर दिया, तो इसको मैं वो बोलूंगा Q1, इसको मैंने मान लिया Q2। ठीक है, ए पर चार्ज को मैंने टू टाइम्स कर दिया। अब देखो Q2 दोनों साइड आपका क्या है बच्चों? माइनस है। Q2 आपका दोनों साइड क्या है बच्चों? माइनस है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, पहले इसको समझते हैं कि टू Q1 Q2 अपॉन R2। अब देखो Q2 आपका माइनस है, Q2 आपका माइनस है, तो यहां पर भी माइनस साइन और यहां पर भी माइनस साइन। Q1 तो आपका पॉजिटिव है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस साइन ऑब्वियसली आएगा। अब रेडियाई को उसने क्या किया? बाय मेकिंग रेडियाई हाफ। रेडियाई मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको उसने क्या कर दिया? R/2। ठीक है, सेकेंड स्टेप में R/2 कर दिया। तो नाउ मैं इसको R/2 करता हूँ, R/2 का स्क्वायर। नाउ इसको सोल्व करता हूं, तो FC2 इक्वल टू माइनस माइनस 2K Q1 Q2 अपॉन R2 और ऊपर क्या चला जाएगा? 4। तो नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर -8K Q1 Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों कि अगर यहां पर -K Q1 Q2 अपॉन R2 किसके इक्वल है? FC1 के इक्वल है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से ऐसे लिख सकता हूँ -K Q1 Q2 अपॉन R2 लिख सकता हूँ बच्चों। यहां से मैं इसको इसके ऐसे लिख सकता हूँ। और नाउ फाइनली मैं क्या गेट करूंगा बच्चों? FC2 इक्वल टू 8 FC1। अब आप समझ सकते हो कितने टाइम आपका चार्ज बढ़ गया। चार्ज आपका जो फोर्स है दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ है, तो आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपका कितने टाइम बढ़ गया? 8 टाइम्स। स्ट्रेंथ का मतलब हम क्या बोलेंगे? फोर्स। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। हमारा आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितने टाइम से बढ़ जाएगा बच्चों? 8 टाइम्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इस पे बेसिस थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन था जो जो आप लोगों को देखना चाहिए था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग चाहते नहीं है फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट काफी स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर डील कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर, तो ये तो आपका हो गया एनर्जी वाला, तो यहाँ पर एक और
एक और हम यहाँ पर चीज समझते हैं। अब देखो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री मतलब बॉन्डिंग आपकी कितने टाइप की पढ़नी है। बॉन्डिंग आपकी दो दो टाइप की होती है बच्चों। बॉन्डिंग आपकी कितने टाइप की होती है बच्चों? यहाँ पर दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। देखो यहाँ पर बॉन्डिंग, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूंगा तो बॉन्डिंग आपकी टू टाइप की होती है। एक होती है बच्चों आपके प्राइमरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी बॉन्डिंग। एक होती है आपकी कौन सी बॉन्डिंग बच्चों? प्राइमरी, प्राइमरी बॉन्डिंग, ठीक है। और एक होती है आपकी कौन सी बॉन्डिंग बच्चों? सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है, सेकेंडरी बॉन्डिंग। अब देखो प्राइमरी बॉन्डिंग क्या होता है और सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी बॉन्डिंग आपका फर्स्ट फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो आपका प्राइमरी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके। प्राइमरी बॉन्डिंग में आपका कौन कौन सा आता है बच्चों? एक आयोनिक बॉन्ड आएगा, एक आएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी आएगा, एक आपका आएगा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। यहां पर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। यहां पर एक हो जाएगा बच्चों आपका वांडरवॉल बॉन्ड, कौन सा हो जाएगा? वांडरवॉल बॉन्ड, ठीक है। ये आपके चार टाइप के, और यहां पर आपका वांडरवॉल बॉन्डिंग भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वांडरवॉल बॉन्डिंग, वांडरवॉल बॉन्डिंग, वांडरवॉल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो आपकी सेकेंडरी बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी बच्चों? आपके वीक होगी। सेकेंडरी बॉन्डिंग आपके क्या होगी बच्चों? ये दोनों बॉन्ड आपके क्या होते हैं बच्चों? वीक बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों? वीक बॉन्ड होते हैं। और ये तीनों आपके कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये दोनों, ये तीनों आपके स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं और ये दोनों आपके वीक बॉन्ड होते हैं। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी आपको वांडरवॉल बॉन्डिंग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर भी वांडरवॉल बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी वांडरवॉल बॉन्डिंग है। तो बच्चों वांडरवॉल बॉन्डिंग के आपके टाइप होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वांडरवॉल बॉन्डिंग होगा वो होगा डाइपोल आयन इंट्रैक्शन बॉन्डिंग, डाइपोल आयन इंट्रैक्शन बॉन्डिंग, इंट्रैक्शन बॉन्डिंग। ये आपका स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, थोड़ा सा प्राइमरी में आ जाता है बच्चों ये, ठीक है। और यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और यहाँ पर एक हो जाता है बच्चों यहाँ पर इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ये मैं बताऊंगा बच्चों आप लोगों को आगे जाके, बस आपको ध्यान रखना है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल बॉन्डिंग। ये बस थोड़ा सा बॉन्डिंग है, बस इसको थोड़ा सा समझ लो, सिंपल है। वंडरवॉल बॉन्डिंग में यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है डाइपोल आयन इंट्रैक्शन, जो कि आपके यहाँ आएगा प्राइमरी में, और यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, और यहाँ पर इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डाइपोल को क्रिएट करना। इंड्यूस वर्ल्ड का मतलब क्या होगा बच्चों? आपको डाइपोल को क्रिएट करना। तो इस तरीके से हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग, उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्डिंग को समझेंगे, उसके बाद हम मेटालिक बॉन्डिंग, और लास्ट में हम इन दोनों बॉन्डिंग के कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप किया तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इजी होगा। जी जैसा कि आप लोग आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में जानते हो कि आयोनिक बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या है, तो फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग हम समझते हैं बच्चों आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग में हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनादर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनादर एटम, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने पर आपका जो बॉन्ड डेवलप होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड को हम समझते हैं, देखो क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान से समझना बच्चों, फिर इसके बाद हम आगे की क्लासों में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास आ गया यहाँ पर Na, ठीक है, Na है। अगर यहाँ पर Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों?
1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसको हम कैसे लिखते हैं? 2, 8, 1 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा, Na+, और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन, Na+ और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्लोरीन है, क्लोरीन अपने में से एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का क्या होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा 287, तो ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ये Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, Na मॉलिक्यूल से, Na मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर जो प्लस साइन है, यहाँ पर जो माइनस साइन है, इन दोनों के बीच आपका कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कुलोम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कुलोम्बिक फोर्स। और कुलोम्बिक फोर्स अगर इन दोनों के बीच में आपका अगर एक्ट करेगा, तो ये आपका किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा, दो आयोनों के बीच बनाए, ठीक है, दो आयोनों के बीच में बनाए, तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका आयोनिक बॉन्ड होगा, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 2, 8 हो गया और यहाँ पर 2, 8, 8 हो गया। दिस इज अ कम्प्लीटली वॉट, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। यहाँ पर इसने इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेंड कर लिया और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन इसको भी अटेंड कर लिया इसने। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन दोनों में इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेंड कर चुका है, तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड आपका बना। तो हम सिंपली बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस, टू डिफरेंट आयंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में आयनों के बारे में पढ़ा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो आपका Na+ है और एक आपका Cl- है, दोनों के बीच कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। दोनों के बीच आपका कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो आपका क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, जो दो डिफरेंट आयनों के बीच जो फोर्स होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आप पढ़ोगे आगे जाके क्लास 12th में, फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स में, फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैट, वहां पर आपको देखने को मिलेगा दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि यहां पर हम बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड, जनरली आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, जनरली आपका आयोनिक बॉन्ड आपका नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो जनरली 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 आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड आपका बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन टू डिफरेंट आयन, टू डिफरेंट आयन, ये दो डिफरेंट आयनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयोनिक बॉन्ड एक टाइप का बॉन्ड नहीं होता है, वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो आपको बॉन्डिंग की तरह दिखता है। जैसे देखो Na+ है और Cl- है, दोनों आपस में जुड़े तो क्या बन गया, NaCl। ये इन दोनों के बीच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के बाद ये आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी एक रूल है बच्चों कि ये किसी सर्टेन डिस्टेंस तक लगता है, सर्टेन डिस्टेंस के बाद यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि बस आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली में मैंने स्टार्ट किया है, तो आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, और आपको ध्यान रखना है कि हमें नए कंसेप्ट के हिसाब से चलना है, पुराने कंसेप्ट के हिसाब से हमको बिल्कुल नहीं चलना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास MgCl2 है, MgCl2 के केस में अब आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से,
MgCl2 के केस में आप लोगों ने बनाए थे बॉन्ड, आप लोग कुछ भी कर सकते हो बच्चों इसमें। तो अब आप लोग समझ भी सकते हो Mg Mg का क्या होता है बच्चों, 282 होता है। अगर ये अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, Mg2+। ठीक है, Mg2+। अब यहां पर MgCl2, MgCl2 के केस में मैं आपको बताता हूं, MgCl2 यहां पर दो Cl, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। एक इलेक्ट्रॉन आपका ये लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपका इसने लिया तो यहाँ पर क्या बना, Cl-, और दूसरे Cl ने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे Cl ने आपका कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक और इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि ये Mg+2, Mg+2 के ऊपर कितना चार्ज है, दो चार्ज है, तो इसने दो माइनस चार्ज पे फोर्स लगाया और यहां पर इस तरीके से इसने आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देख सकते हैं। चार्ज हमेशा जीरो रहेगा, वही मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा जिस पर चार्ज हमेशा क्या हो बच्चों, जीरो। तो देखो, नेट चार्ज अगर मैं इस पर निकालना चाहूंगा तो नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, क्लोरीन की वजह से -1, Mg की वजह से +2, एक क्लोरीन की वजह से -1, टोटल नेट चार्ज विल बी वो जीरो, नेट चार्ज आपको जीरो बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। तो आयोनिक बॉन्ड आपका जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, और दूसरी बात, आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज अ इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहां पर लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साइड में आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये अच्छी चीजें आप समझ में आ गई होगी कि हमको केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो धीरे धीरे शुरुआत में आयोनिक बॉन्ड का उतना वास्ट नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में कोवलेंट बॉन्ड काफी वास्ट दिया हुआ है, तो धीरे धीरे आप लोग इसको पहले समझो, समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट होगा तो अपने आप अब आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, सो दैट्स वाई इतना अगर आप लोग, अभी हम फर्स्ट लेक्चर है और अभी हम एक दो लेक्चर स्लोली स्लोली चलेंगे, देन आफ्टर हम इसको थोड़ा सा आपको वर्क बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले स्लोली स्लोली चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़े बढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। सो थैंक यू सो मच।